नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका में पढ़ने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत आखिर कैसे हुई, इस बात से बुलंदशहर पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह और डीएम रविंद्र कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत छेड़छाड़ या स्टंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक हादसा था। साथ ही सुदीक्षा के परिजनों के जरिए लगाए गए आरोपों का पुलिस ने खंडन किया है। बुलंदशहर के एसएसपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सुदीक्षा का भाई ही बाइक चला रहा था। उन्होंने कहा कि सुदीक्षा की बाइक पीछे थी और बाइक सवार आगे था, किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हुई। पकड़ में आए दीपक सोलंकी ने पूछताछ में बताया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करता है और 10 अगस्त को राज मिस्त्री राजू को लेकर काली बुलेट से साइट पर जा रहा था। औरंगाबाद चारौरा मुस्तफाबाद के पास उसकी बुलेट बाइक के सामने अचानक हरे रंग का ऑटो और भैंसा बुग्गी आ गई। इसकी वजह से उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया। पीछे से आ रही सुदीक्षा भाटी की बाइक बुलेट से टकरा गई, इससे छात्रा सड़क पर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मामला बहुचर्चित हो जाने से दीपक डर गया था, इसलिए उसने काला आम चौराहे पर बुलेट को मॉडिफाइड करवा दिया था। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसलिए दीपक ने टायर, साइलेंसर और जाट लिखी नंबर प्लेट भी हटवा दी थी। पुलिस ने राजू और दीपक की निशानदेही पर मॉडिफाइड बुलेट बाइक, साइलेंसर, हेलमेट, जाट लिखी नंबर प्लेट और टायर बरामद कर ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।